हेलो फ्रेंड्स, मैं बिनय गौर आपका अपने चैनल लर्निंग विद बिनय गौर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं इस ग्रामर की सीरीज में आज आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस पार्टेनिंग विद प्रीपोजिशंस इससे लेकर आया हूं, जो कि क्लास सिक्स से लेकर टेंथ तक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये हमारी आज की एक्सरसाइज नंबर 5 है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको पीछे देख सकते हैं, वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं समय मिलने पर उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। अगर आपके कोई सजेशन रहे तो वह भी आप लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनके ऊपर वर्क किया जाए। बढ़ते हैं अपनी प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज नंबर 5 पर, और ये आज की सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन है। कम एंड सिट ब्लैंक मी। सो हियर ऑप्शंस आर अलोंग विद, बिटवीन, ऑल ओवर एंड अवे फ्रॉम। कम एंड सिट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अलोंग विद। कम एंड सिट अलोंग विद मी। अवे फ्रॉम दूर करने के लिए होता है, बिटवीन बीच में होता है, जो कि एक लोगों के बीच में नहीं हो सकता। ऑल ओवर तो ऑलमोस्ट गलत ही है, वहां तो कोई सेंस नहीं बनता। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज होल लाइफ इज ब्लैंक हिम। उसका पूरे जीवन जो कुछ भी है वो ब्लैंक हिम। क्या है देखते हैं। ऑप्शन ए इन फ्रंट ऑफ हिम, ऑन फ्रंट ऑफ हिम, ऑफ हिम एंड एट हिम। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, उसका पूरा जीवन उसके सामने है। हिज होल लाइफ इज इन फ्रंट ऑफ हिम। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक योर बुक्स ब्लैंक यू। सो अपनी किताबें क्या करना है अब। ऑप्शन ए अलोंग विद यू, विद इन यू, इन फ्रंट ऑफ यू और एट। अपनी किताबें अपने साथ ले जाओ, तो साथ ले जाने के लिए अलोंग विद आता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। टेक योर बुक अलोंग विद यू, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड रहेगी, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो दोबारा जाकर देख लीजिए। इज देयर अ गुड रीजन ब्लैंक ऑल दिस नॉइज। क्या कोई कारण है इस सारे शोरगुल का। ऑप्शन है ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी फॉर एंड ऑप्शन डी बाई। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, क्या इस सारे कुछ जो नॉइज है उसका कोई रीजन हो सकता है। सो इज देयर ए गुड रीजन ऑफ ऑफ ऑल दिस नॉइज। ऑफ करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई एम स्टिल फॉन्ड ब्लैंक माई टेडी बियर। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए एट, विद, ऑफ एंड विद इन। सो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आई एम स्टिल फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है, आई एम स्टिल ये वर्ब होती है, वर्ब फॉलोड बाई सब सर्टेन प्रीपोजिशंस। इसका एक वीडियो मैंने पहले एक ग्रामर चैप्टर में डाल रखा है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। आई एम स्टिल फॉन्ड ऑफ माई टेडी बियर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम नॉट यूज्ड ब्लैंक लार्ज मील्स। वही आ गया, वर्ब है, वर्ब फॉलोड बाई द सर्टेन प्रीपोजिशंस। ऐसी वर्ब जो कि सर्टेन प्रीपोजिशन के साथ फॉलो करती हैं, ये उससे रिलेटेड है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी टू एंड ऑप्शन डी ऑन। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, ऑप्शन टू, यूज्ड टू। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, द मीटिंग स्टार्ट्स ब्लैंक 2 o'clock। ऑप्शन है इन 2 o'clock, बाई 2 o'clock, एट 2 o'clock और ऑन 2 o'clock। सो घड़ी में जब समय पर्टिकुलर दिखाया जाता है उसके लिए एट यूज होता है। द मीटिंग स्टार्ट्स एट 2 o'clock, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है दिस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर कंपनी रिमेन्स क्लोज्ड ब्लैंक संडे।
टाइम के लिए प्रीपोजिशन है संडे, पर्टिकुलर डे है, तो फॉर, विद इन, ऑन एंड अपॉन. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑन संडे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा कि अवर कंपनी रिमेन्स क्लोज्ड ऑन संडे, हमारी कंपनी जो है संडे को बंद रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89. बी विजिटेड कश्मीर ब्लैंक द समर वेकेशन, हमने कश्मीर को समर वेकेशन में, तो क्या आएगा ऑप्शन इन, अलोंग, ड्यूरिंग और ऑन. सो हमारा इरादा क्या है कि हम समर वेकेशन के दौरान, ड्यूरिंग, जब एक लंबी टेनर की बात करते हैं तो ड्यूरिंग आता है. बी विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द समर वेकेशन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है. मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 है. सैली नेवर स्लीप्स ब्लैंक मिडनाइट एज सी हैज सम स्लीपिंग प्रॉब्लम, जो सैली है उसको आधी रात से पहले वह नहीं सोती क्योंकि उसको क्या है स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हैं. ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है बिफोर, ऑप्शन सी है 8 एंड लास्ट ऑप्शन है बाई. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिफोर, आधी रात से पहले वह सो ही नहीं पाती है क्योंकि उसको क्या है स्लीपिंग प्रॉब्लम है. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव नॉट सीन हिम ब्लैंक लास्ट संडे. देखो पर्टिकुलर टाइम आ रहा है, हैव नॉट सीन लगा हुआ है, मींस परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया यहां पर. सो परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या क्या आता है, फॉर और सिंस आता है, हम देखेंगे क्या आएगा. ऑप्शन ए है ऑन, ऑप्शन बी सिंस, ऑप्शन सी बेद एंड ऑप्शन डी बाई. सो करेक्ट आंसर रहेगा सिंस, क्योंकि ये क्या है एक डेफिनेट टाइम है. परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर और सिंस इन दोनों का यूज किया जाता है टाइम को शो करने के लिए. जब डेफिनेट टाइम हो तो सिंस लगाते हैं, और जब टाइम क्लियर ना हो, इनडेफिनेट हो, तो हम फॉर का यूज करते हैं. यहां पर फॉर आएगा क्योंकि लास्ट संडे है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 92. मदर इज ब्लैंक होम, ऑप्शंस हैं यहां पे, ऑप्शंस देखेंगे. ऑप्शन ए है ऑन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी विद इन एंड लास्ट ऑप्शन है डी अबव. सो मदर इज एट होम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मदर घर पर ही है, एट होम आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉज टॉकिंग ब्लैंक माई फ्रेंड. सो हियर द ऑप्शन आर, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था. सो टॉकिंग ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 एंड लास्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बाई. सो आई वॉज टॉकिंग करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, बी ऑप्शन है 2. आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है. यस, आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड, ऑन नहीं आएगा यहां पर. फॉर तो किसी पर्टिकुलर मैटर के बारे में आता, और बाई यहां पर के द्वारा नहीं आएगा यहां पर. सो इनकी मीनिंग भी हम समझते चलेंगे साथ के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94. सी इज प्राउड, प्राउड वही आ गया जो वर्ब फॉलोड बाई सम सर्टेन प्रीपोजिशन, प्राउड के साथ ऑफ आता है. सी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, करेक्ट है. ऑप्शन फिर भी देख लेते हैं, ऑन, ऑफ, करेक्ट आंसर मिल गया हमें हमारा ऑप्शन बी ऑफ. सी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. आई वांड हिम ब्लैंक हिज लर्निंग, वांड के साथ में बहुत सारे प्रीपोजिशन, सर्टेन प्रीपोजिशन अलग अलग कंडीशन में आते हैं, तो हिज लर्निंग उसकी जो एजुकेशन है उसके बारे में बांट किया गया है. ऑप्शन ए है ऑफ, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी ऑन एंड ऑप्शन डी अपॉन. सो सिंपल है, आई बांट हिम ऑफ हिज लर्निंग, क्या सीख रहा है इसके बारे में मैंने उसे बांट किया है. सो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑफ, आई बांट हिम ऑफ हिज लर्निंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज फेमस ब्लैंक हिज लर्निंग, पिछले क्वेश्चन में था He is bond of his learning. यहां पे है he is famous. ऑप्शन ए for, by, in और at. तो बिल्कुल क्लियर है, हम अच्छी तरह से जानते हैं famous क्या होता है, famous के साथ क्या आता है, for आता है, famous for, प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध है. So he is famous for his learning. उसकी education के लिए वह काफी प्रसिद्ध है, वह काफी होशियार है. So option number A correct answer रहेगा यहां पर, for. Now मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम नॉट गुड ब्लैंक डांसिंग, गुड
डांसिंग। सो जब किसी पर्टिकुलर स्किल के बारे में बात करते हैं तो एट लगाते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, इन ऑफ एट, ऑप्शन मिल गया हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आई एम नॉट गुड एट डांसिंग, मैं डांस करने में इतना अच्छा नहीं हूं। जब हम किसी डांसिंग, रीडिंग, स्विमिंग, जंपिंग, सिंगिंग, जब हम किसी पर्टिकुलर स्किल की बात करेंगे कि मैं उसमें अच्छा नहीं हूं या मैं उसमें बुरा हूं, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर रहेगा। आई एम नो गुड एट डांसिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुड आई बोरो योर बुक ब्लैंक ए वीक नेक्स्ट मंथ। टाइम दिया है और पर्टिकुलर एक ड्यूरेशन है, टाइम की ड्यूरेशन है। ए वीक, ऑप्शन है विद ए वीक, इन ए वीक, फॉर अ वीक और ऑन अ वीक। सो करेक्ट आंसर हमें हमारा मिल चुका है, ऑप्शन सी रहेगा। क्या मैं आपकी किताबें एक सप्ताह के लिए अगले मंथ ले सकता हूं, फॉर अ वीक, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज सिटिंग ब्लैंक द पार्क, वह पार्क में बैठा हुआ है, पार्क में बैठा हुआ है। तो आप समझ रहे हैं हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल ही चुका है, आउट फॉर इन ऑफ, करेक्ट आंसर इन रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। वह पार्क में बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये हमारा आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न है। 100, द कीज फेल ब्लैंक द पूल ऑफ वॉटर। सो करेक्ट आंसर, ऑप्शंस देख लेंगे पहले, ऑन, फॉर, इन एंड ऑफ। सो द कीज फेल इन इन द पूल ऑफ वॉटर, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। सो फ्रेंड्स, ये हमारी आज 100 क्वेश्चंस की, एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट होती है। लेकिन इसके साथ मैंने आपको एक एडिशनल वीडियो कल आपके सामने आएगा, जो कि एक क्वेश्चनायर के फॉर्म में होगा, जिसमें एक टाइम लिमिट रखूंगा और आप उसे कंप्लीट करेंगे। ये भी 20 क्वेश्चंस का ही सीरीज होगी। सो वेट करिए उसके लिए, कल आप इसी समय, आपको शाम को एक वीडियो मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपका धन्यवाद। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन प्रेस करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और पीछे की ग्रामर की एक्सरसाइज को जरूर देखें, ये आपको काफी हेल्प करेंगी। इसके साथ ही अगर आप क्लास 9th से 12th में किसी भी क्लास के हैं, तो एनसीईआरटी के जो लिटरेचर की बुक्स हैं उनकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। आप पर्टिकुलरली अपनी क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर के उन चैप्टर्स को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।